कुछ खास बात ये कहूंगा, क्योंकि ये अवसर है नौजवानों को नौकरियां देने की, जॉब देने की, और मैं समझता हूं राजस्थान का। अजमेर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच राजस्थान प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय गहलोत साहब, सबसे पहले मैं अजमेर जिले का नागरिक होने के नाते भी और सारे अजमेर वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में हमारे युवा नेता, और मैं ये भी कह सकता हूं कि गहलोत साहब के का ये तीसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री का, और तीनों कार्यकाल में आपने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ आपने दिया है। लेकिन राजस्थान के नौजवानों के लिए राजनीति में भी आपने बहुत स्थान दिया है, और उसी की बदौलत है कि अशोक चांदना और मेरा जैसा आदमी आपके बीच में खड़े हैं। अशोक चांदना जी हमारे अजमेर जिले के रहने वाले हैं, और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पहली बार ये जिला परिषद के सदस्य भी अजमेर से ही बने। सही कह रहा हूं मैं चांदना जी? तो मैं आपका भी चांदना जी बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पब्लिक ग्रीवेंसेज कमेटी के चेयरमैन आदरणीय पुखराज पाराथर साहब, श्री पीसी किशन साहब, रेणु जयपाल जी, और अजमेर जिले के सभी जो सामने विराजमान है वरिष्ठ नेता, सामान्य रामचंद्र जी चौधरी साहब, सामान्य रामस्वरूप जी, विजय जैन साहब, नसीम अख्तर जी, डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी, महेंद्र सिंह जी रड़ावता, कमल बाकोलिया जी, द्रौपदी कोहली जी, और तमाम अजमेर जिले के वरिष्ठ नेतागण, और सामने विराजमान सभी युवा साथियों, भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों, जैसा कि अशोक चांदना जी ने आपको बहुत विस्तार से बता दिया है, मैं कुछ खास बात ये कहूंगा, क्योंकि ये अवसर है नौजवानों को नौकरियां देने की, जॉब देने की, और मैं समझता हूं राजस्थान का ये पांचवां बड़ा मेगा फेयर है, पांचवां। अब तक करीब 19,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन और जॉब लग चुकी है चार संभाग में, और मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास है मुख्यमंत्री जी कि अजमेर संभाग में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगा और सबसे ज्यादा यहां युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। और मैं यह भी कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सभी को बहुत भरोसा है, बहुत उम्मीदें हैं, जैसा अभी चांदना जी ने भी कहा और मैंने भी मुख्यमंत्री जी से कहा कि सर आपसे इतना भरोसा है, और आपने वो भरोसा को मेंटेन किया है, वो रखा है कि आपने कहा कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देता देता नहीं थकूंगा। और यही बदौलत है कि आज जो युवा भी उमर घुमर के आपके इस कार्यक्रम में आए हैं, अगर राजस्थान में सरकारी नौकरी भी सबसे ज्यादा अगर मिली है, तो मुख्यमंत्री जी आपके कार्यकाल में और आपके प्रदेश में युवाओं को 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी मिल चुकी है। 40,000 से ज्यादा टीचर्स की भर्ती अगले महीने में, इस महीने में हो रही है, और 1,00,000 भर्ती प्रक्रियाधीन है। यह साबित करता है कि नौजवानों का कोई मुख्यमंत्री है, नौजवानों का कोई नेता है, नौजवानों का कोई हमदर्द है, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत है। मैं बात सही कह रहा हूं क्या? अगर सही कह रहा हूं तो तालियां बजाओ जोरदार। अरे भैया अजमेर जिला है, अजमेर जिला कमजोर है क्या? अजमेर जिला कमजोर है क्या? तो एक बार ताली बजा।
जोरदार जोरदार। मुख्यमंत्री जी, आपने मेरे को आरटीडीसी का चेयरमैन बनाया, आपने राजस्थान में इस बार टूरिज्म में जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया, वो 30-40 साल बरसों पुरानी जो मांग थी टूरिज्म इंडस्ट्री की, क्या थी? होटल को उद्योग का दर्जा दिया आपने, और उद्योग का दर्जा देने के बाद नौजवानों को लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। हमारे अजमेर जिले में, हमारे अजमेर जिले के पास में पुष्कर में आपने क्या वहां होटलों के लिए जो आपने विकास के काम किए हैं, होटलों के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री को जो बूस्टर डोज दी है, उससे हमारे युवाओं में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। और दूसरा, आपने टूरिज्म सेक्टर को जो दिया है वो बनाई है आपने ग्रामीण पर्यटन पॉलिसी, टूरिज्म के लिए जो गांव में रहता है नौजवान, गांव में रहता है किसान, वो केवल 2000 मीटर जमीन हो कम से कम, और मैक्सिमम उसके पास अगर 8 बीघा जमीन है, उसमें अब आपको कहीं एसडीएम के, तहसीलदार के, कलेक्टर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, और आपकी होटल का कन्वर्जन फ्री, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यह बरसों पुरानी मांग थी जो आपने पूरी की है। तो मैं तो ये कह सकता हूं, इस मेगा जॉब फेयर के माध्यम से भी और टूरिज्म सेक्टर के माध्यम से भी, और आपके मुख्यमंत्री काल में राजस्थान पूरी दुनिया का, राजस्थान टूरिज्म सेक्टर की पूरी दुनिया का जो 15 स्थान चिन्हित किए हैं, उनमें एक राजस्थान हुआ है। यह बात आपको जान के बहुत खुशी होगी। और मैं तो यह कह सकता हूं कि हमारा अजमेर जिला तो केवल और केवल टूरिज्म पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपने पुष्कर में गोल्फ कोर्स दिया, आपने अजमेर जिले को माई सेंटर दिया, आपने ब्रह्मा मंदिर का, मैं आपका बार बार धन्यवाद दूंगा, ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, आपने पुष्कर के सरोवर का गंदा पानी रोकने की समस्या मिटाई। इसलिए अजमेर जिले के तमाम लोग आपको बहुत अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, राम राम साहब।